देखो जी ये इन्हें हूँ शर्म लानी चाहिए आ भी वोटा साढ़े को लिया हूँ अही दुख चाहते हूँ साड़ी सुनते नहीं उदो कहते भी अही ताडे वास्ते 24 घंटे हाजिर हाँ सिद्धू साहब कहते ही एक ना एक फ्री वोटी मेरी MLA तो मैं जिहड़ा MP हाँ एक ना एक फ्री आ हूँ तो एक भी नहीं मिलन दिया सिद्धू साहब रोज़ ट्वीट करते किसी ना किसी चीज़ से साढ़े हक भी कोई ट्वीट कर दो अं नर्सिस जड़िया 24 आवर्स लिए अं सर्विस दे दें साढ़िया हम 3200 के हिसाब ना वेख लो साड़ी कितनी घटूगी है ना इन्होंने सोचा भी अही बस एवं गधिया वाग काम करी जाएगा इन्हों की लोड़ आ इन्हों शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुती फस्ट वेव असी पेंडेमिक कोरोना की चाली सैकेंड वेव और जो यही रवैया रहा ना तो महामारी फैलेगी कोई मुलाजम इनवॉल्व होकर काम नहीं करेगा डॉक्टर मंगा भी हैं पैरामेडिकल दंगा वा सारिया मंगा ही कहने भी मनिया जा नहीं भी एक वर्ग की मान लो तो बाकियों पाड़ दो D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज फिर हम सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। 7वां दिन हो चला है, हड़ताल यहां पर जारी है। आज फिर OPD सेवाएं बंद हैं। हालांकि स्टेट बॉडी ने ये कहा था कि OPD सेवाएं बहाल कर दी जाएं, लेकिन जो OPD कर रही हैं वो आपको कहीं बाग बगीचे में करनी है, अपने अस्पताल के कमरे में बैठकर नहीं करनी। लेकिन ये आप देख सकते हैं सिविल हॉस्पिटल में तमाम डॉक्टर व स्टाफ हड़ताल पर हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक सरकार हमारे जो है भत्ते बहाल नहीं करती है, NPA के विरोध में इनकी हड़ताल है। और सरकार, सबसे अहम बात यह है कि आज 7वां दिन हड़ताल हो चला है, लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। करीब करीब हर दिन यहाँ पर 1000 से 1500 मरीज इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन कोई भी नेता या बड़ा अधिकारी यहाँ पर सुध लेने नहीं आया। इनका यह भी रोष है कि जब नेता उनको वोट की जरूरत होती है तो वो हमारे पास आते हैं, लेकिन जब आज हम सड़कों पर हैं और हमारी सुध लेने कोई नहीं आया। हम बात करेंगे इनके साथ साढ़े नाल इंप्लाइज वेलफेयर एसोसीएशन के चेयरमैन राकेश शर्मा। शर्मा जी देखो अज 7वां दिन हो गया हड़ताल आ, सरकार तो सुन नहीं रही थोड़ी गल, तो लोग परेशान हो रहे हैं। जो इन्होंने वोटा लेनिया होंगे उदों तो आते हाथ जोड़ते हैं भी सानू वोट पाओ असी तुहाडा ख्याल रखांगे, तो ख्याल ख्यूल तो कोई रख नहीं रहे। वेखो जी ये इन्हों हूँ शर्म लानी चाहिए आ भी वोटा साढ़े को लिया हूँ अही दुख चाहते हूँ साड़ी सुनते नहीं उदो कहते भी अही ताडे वास्ते 24 घंटे हाजिर हाँ सिद्धू साहब कहते ही एक ना एक फ्री भी वोटी मेरी MLA तो मैं जिहड़ा MP हाँ एक ना एक फ्री आ हूँ तो एक भी नहीं मिलन दिया सिद्धू साहब रोज़ ट्वीट करते किसी ना किसी चीज़ से साढ़े हक भी कोई ट्वीट कर दो साढ़े हक से कोई ट्वीट किया नहीं सिद्धू साहब ने आ दत्ती साहब साढ़े गुआंढ बैठे आ दत्ती साहब नहीं बोलन दे सिविल सर्जन साहब भी नहीं आए सिविल सर्जन साहब तो सुते पे जी वो आते घंटा के दफ्तर आते हैं सवेरे घंटा के शाम को आते हैं कोठी रैट रुस्ट करके चल जाते हैं उन्होंने परवाह कोई नहीं भी मुलाजम मेरे मरण दे आ मैं उन्होंने दुख सुख के नाल खलोवा आगे कोई उन्होंने सोच नहीं है जी कोई होर प्रोग्राम लिखा गया ये फिर हूँ जी ना सुने शनिवार तो बाद लिखांगे अगला नैक्सट प्रोग्राम हो सकता कोविड सेवाएं बंद कर दिए एमरजेंसी सेवाएं अज चालू ने थिएटर ऑपरेशन बंद है जड़ा चालू आ थिएटर बंद आ कोई पैरल OPD इतने नहीं चल रही हैगी पैरल OPD का साढ़े डॉक्टर ने विरोध किया इतने दर्जा 4 तो लैके दर्जा 1 तक एक ही आवाज़ है सारे की सारे इकट्ठे आ डॉक्टर मंगा भी हैं पैरामेडिकल दंगा वा सारिया मंगा ही कहने भी मनिया जा नहीं भी एक वर्ग की मान लो तो बाकियों पाड़ दो सब दंगा मनिया चाहिए एक मंच से आगे संयुक्त मोर्चा बना लिया एक मंच से NPA भी बहाल करना चाहिए जेडे पत्ते बाकी कटाए वह भी बहाल करना चाहिए नर्सिंग का ग्रेड कटाया वह भी बहाल करना चाहिए साढ़े नाल ने स्टाफ नर्स ने 33 साल इन्होंने सेवावान दी रजिंदर जी देखो सरकार हौली हौली करके जोड़े अदारे ने उन्होंने प्राइवेट कर दिता तुम नारे मारी जाने धुप्पे सड़न दे कुछ सरकार सुन नहीं रही तो तुम की समझते हो कि लीडर का रवैया इस तरह क्यों आ ये सर साड़ी सुनूगी किदा इन्हों लोटू टोले ने कट्ठिया हो के साड़ी ग्रेड पे 4600 रुपया ही 4600 तो सीधे 3200 तो लै गए जे ये 1600 तो 2016 तो लागू करते हैं लोगों दिन तनखावं वधनिया तो साड़ी अं नर्सिस जड़िया 24 आवर्स लिए अं सर्विसिज दे साड़िया हम 3200 के हिसाब ना वेख लो साड़ी कितनी घटूगी है ना इन्होंने सोचा भी अं ये तो बस एवें गधिया वाग काम करी जाएगा इन्हों की लोड़ आ इन्हों शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुती अं जो करोना के काल के जो घर घरों तुरन लगते ही ना सानू अपना डर ही वापस जाते ही हाए अं अपने बच्चों के कि एंटर करना पर यह जेडे क्रीम खाने मलाई खाने बैठे आ
जो मलाई खाने बैठे ना एसी के थले इन्होंने साढ़े ना इन्नी ज़्यादा गद्दारी की है। इन्हों का कोई इन्हों पता कुछ है नहीं। नलैकों की सरकार, एक मिनी सरकार, भोखू सरकार, लटेरी सरकार, इन्हें साढ़ा नर्सिस का कोई साढ़े 5300 तो लिया के ग्रेड खड़े किए पेल साड़िया जूने ने यह घटाते घटाते हूँ 4600 आए 4600 तो हमें 3200 तो लै गए हैं। जी साढ़े मुल्क आजाद हो करीब करीब 70-75 साल हो चले आ सरकार ने यह कहें भी सी बड़ा काम किया प्राइवेटाइजेशन बढ़ावा दे जाते हैं सरकारी इदारे बंद करी जाते हैं जो आए अं सू कहीं सेवा करना है ये सेवा करना आते प्राइवेट इदारे भी तो बंद करी दे हर जगह तो इन्हों का हिस्सा बत्ती चलन दिया हर जगह हिस्सा पत्ती चलन दिया ये डॉक्टर सरकारी डॉक्टर भंड दे प्राइवेट जाके पहलों जाके छापे मार दे मुड़के अंदर खाते ही इन्हों की मिली भुगत हो जाती है कभी वेख्या जे प्राइवेट किसी जाके तो लंबी टाइम लिए किसी के उत्ते सज़ा लागू हुई हो सानू इस करके बंद कर रहे हैं सरकारी अदारे क्योंकि साढ़े को लैना साड़ी तो धौन इन्हों के हाथ में आ वो जिदा 4600 तो 3200 तो साड़ी लेंदी है साड़ी गिची घुटती है तो प्राइवेट वाले ने कह के विखा हाँ कुछ इस करके सानू इन्हां ने बहुत कसूते मारिया वा इन्हां नू वापस आना पेगा सानू साढ़े हक देने पैणगे नहीं तो अं कंटिन्यू हड़ताल करांगे बिल्कुल इन्हां दी अपनी जायदाद मैं तो तुहानू कल भी बेनती की वीर जी इन्हां दे घोटाले वेखो इन्हां दीआं जायदादां ये मोदी साहब आ वह जायदाद सिटीजन दी आमदियां वेंदे आ कितें थोड़ा बहुत 2-4 रुपये वध अपनियां जायदादां पहलों क्लीयर कर जनता के सामने जिहड़ी जनता दे राज कर रहे आ उहदे कोलों ते सारा कुछ पुछदे आ इह जनता नू अपने बारे की दसदे आ जदों ये लड़दे आ जदों ये चोण लड़दे आ ना अपनी जायदाद कोई इन्नी शो करदा इन्नी शो इन्हें कभी बोगस शो किया फिर ये कितने गए होंगे फिर ये आपस में दी नहले तो दहला जड़े है ना जड़े एक बारी मैं तो एक बारी तू वो आपस में दी अंदर कमिटमेंट हो जाती है तो सारा कुछ इन्हों का सफाया आ जाता इन्हों कोई आँदी नहीं है सजा नहीं होंगी। डॉक्टर साहब की नाम थोड़ा तो मैं डॉक्टर सरबदीप करियाड मैं मेडिकल अफसर सिविल अस्पताल अमृतसर जिमें स्टेट बॉडी ने कहा भी ओपीडी करो पैरल ओपीडी चलाओ अस्पताल के अंदर नहीं क्या बाइकाट करता है। हाँ जी इस तरह कर पैरल ओपीडी चला के फिर अपना जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं वो जोड़ा डिल्यूट हो जाता तो थोड़ा बहुत चलो सरकार के कन्ना जू सरके इस तरह मरीजा जोड़ा अं आप भी इस गल का खेद आ सू कि मरीज परेशान हो रहे हैं पर सा मजबूरी आई गल नहीं सुनी जा रही बार बार लारे लप्पे झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि ठोस कोई कार्रवाई नहीं की जा रही सरकार वालों। डॉक्टर साहब अज लगातार 7 दिन हो गए डॉक्टर हड़ताल से ने सरकार तारी बात नहीं लै रही कोई मंत्री कोई नेता कोई विधायक तारी गल नहीं सुन आ रहा कोई अधिकारी नहीं आ रहा तुम सारे कि देखते हो इस तरह है कि बड़ा अफसोस आ सू इस गल का कहना पैंता कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा कि भी मंत्री ने सानू आके इतने मुलाकात नहीं की साड़ी एसोसीएशन वाले इंपलाई वैलफेयर एसोसीएशन वालों बार बार टाइम की मांग की जाती है पर सरकार वालों कोई टाइम नहीं दिता जाता तो सानू मजबूर हो के सेहत सेवावां जिहड़ियां ठप करनियां पै रही कि सानू होर कोई साडे कोल बिना कोई चारा नहीं। की नाम है भैन जी तुहाड़ा? मैं जसवीर कौर स्टाफ सिविल हॉस्पिटल अमृतसर। सरकार तो सुन रही है 7 दिन हो गए तुहानू नारे मारदे आ बाहर सड़कों के इत्थे तो रौला रौला पा के घरां नू चल जांदे हो खप के तो तुहानू की लगता कि हुण तुहाडा संघर्ष अपना तेज़ करना पवेगा तुहानू? सानू ये भी अपना संघर्ष तेज करना पौ कॉन्टीन्यू साड़ी जी है इनडेफिनेट स्ट्राइक साड़ी चलेगी जिन्ना चर साड़ियां मंगां नहीं मनिया जाएगी। शमा जी सरकार तुसी नारे नूरे मार के चल जाते हो लोग परेशान हो रहे हैं सरकार तारी गल तां सुन नहीं रही ना सरकार ना लीडर ना अधिकारी। सर जो वोट लैनी होंगी है ना ये लोग सानू बड़े बड़िया गल्ला करते देखो जो मुलाजम है वो तो नैचुरली जो सरकार कहेगी उसके अकॉर्डिंग फस्ट वेव असी पेंडेमिक कोरोना की चाली सैकेंड वेव और जे यही रवैया रहा ना तो महामारी फैलेगी कोई मुलाजम इनवॉल्व होकर काम नहीं करेगा ये डेमोक्रेसी कह के तो इन्ना एक्सपलॉयड कर रहे हैं इन्होंने सारे मुलाजमान एक्सपलॉयड किया वा ये देखो तुम कोई वर्ग नहीं है भी ज जिन्हों इन्होंने हाथ लगाया जिन्होंने तंग नहीं किया देखो मेरी इन्नी सर्विस होगी अज तक मैं किन्नी इन्नी अग्रैसिव प्रोटेस्ट कभी भी नहीं देखा और देखो डॉक्टर्स पैरा मेडिकल जी जमानू की लगता शर्मा जी हत्या हो गई है मर्डर कर दिता जी ने बिल्कुल मर्डर कर दिता ये अंदर बह के की पॉलिसीज बनाते हैं साड़ी समझ तो बाहर है और जे पेंडेमिक दे वेचे जे थर्ड वेव की गल करते जे इन्हों का यही एटीट्यूड रहा तो यह सारा जो जिम्मा गवर्नमेंट का होगा। क्या नाम है थोड़ा? मैं डॉक्टर विजय कोटवाल। डॉक्टर साहब सरकार तो सुन नहीं रही तुम अब 7 दिन हो गए रौला रौला पा के चल जाते हो घरों तुम्हारी स्टेट बॉडी ने भी थोड़ा अपना लचीला रैया विखाया उन्होंने आख्या भी ओपीडी सेवावां बहाल कर दो अंदर नहीं करो पर पैरल ओपीडी चलाओ बट ताले वालों बाइकाट किया गया क्या तुम अपने संघर्ष को तेज़ करोगे?
हाँ जी अगे आने तो असं होर तेज़ करांगे। असी भी अस बाकी पैरल ओपड़ी चला रहे पर असी ओपड़ी नहीं चलावांगे। असी सैटरडे तक टोटली ओपड़ी बंद रखांगे। अगर संडे मंडे तक नहीं हुंदा कोई सानू रिस्पोंस नहीं मिलता तो असी होर अगे चलांगे। ठीक है उस असी कोविड भी शामिल कर सकते हैं तो एमरजेंसी भी शामिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब देखो ना नेतावान का लीडर का विरोध होना शुरू हो गया। कल सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू एक पिंड जाते हैं उत्थे पिंड वाले ने उन्होंने वड़न नहीं दिता। क्या तुम भी इदा का कोई प्रोग्राम उलीकोगे भी कोई लीडर आता तो विरोध करोगे? नहीं वो भी कर सकते जो सारे मिलकर असी करा तो वह भी असं कर सकते हैं। बाकी असं बाहर निकल के सड़क पर भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ये असी स्टेट बॉडी तो असं डिसाइड करा तो सोमवार तक असं होर गाइडलाइनस लावे तो सोमवार तक होर कर जाएंगे। डॉक्टर साहब क्या नाम है तुम्हारा? मैं डॉक्टर सारिका मैडिकल ऑफिसर डेंटल। अभी असी इतने पिछले 10 दिनों तो हड़ताल कर रहे हैं। इहदा रीज़न है कि जिहड़ी साडी बड़ी सारी इनसेंटिव जिहड़े सानू मिलने सी उन्हां दे विच सरकार ने कटौती करती है। अच्छा वो ठीक है तुसीं एनपीए नूं लैके तुहाडी इनसेंटिव बंद करते गए बट हुण देखो ना 7 दिनों तो तुसीं हड़ताल दे हो किसी ने तुहाडी सार नहीं लई। लोकल लीडर ने लई तुहानूं नारे मारन छड़ता तुसीं गला गुला थका के घर नूं चल जांदे हो ते तुसीं तुहाडा नैक्सट स्टैप की होगा? क्या सरकार का रवैया नकारात्मक नैगेटिविटी भरिया? सरकार का जो रवैया है साड़ी तरफ रिएक्शंस है दैट इज़ डेफिनेटली नैगेटिव बिकॉज असी देखो 10 डेज़ तो रोज़ इतने आ रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट न चाहिए है कि साड़ी जी सर्विसज है दे आर पब्लिक सर्विसज वी हैव डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग सो अगर असी साड़ी सर्विसज अफेक्ट होंगे तो डेफिनेटली जी साड़ी जनरल पॉपुलेशन है वो सब तो ज़्यादा अफेक्ट हो रही है तो गवर्नमेंट न यह चीज़ कंसिडर करनी चाहिए है। इन्हें तो कोई चेक नहीं है जिन्हों मर्जी आप पत्ते वधा देंगे जिन्हें मर्जी घटा देंगे तो तुम्हें क्या लगता है जनता अकाउंटेबल है कि नहीं है? जनता नू बिल्कुल काउंटेबल है बिकॉज पीपल हैव वोटेड फॉर दैम सो आई थिंक इन्हों नू बीइंग कंसीडरिंग द जनरल पॉपुलेशन कि उन्होंने कितना अफेक्ट हो रहा है साड़ी हेल्थ सर्विसेज नू स्टॉप करन करके और बीइंग डॉक्टर्स एंड सानू इन्ना ज़्यादा कोरोना वॉरियर्स क्या गया कहते भी लोकतंत्र है लोकतंत्र कितने है तुम्हारी तो गल को नहीं सुन लिया तुम गला पाड़ के चल जाते हो। बिल्कुल डेमोक्रेसी तो एक साइड रह गई ना वो बिल्कुल ही अफेक्ट हो गई है। डेमोक्रेसी तो सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है बिकॉज इन्ना साडा 10 डेज तो प्रोटेस्ट चल रहे गवर्नमेंट नू कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट रिस्पोंड करना चाहिए सी एटलीस्ट सानू कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाना चाहिए सी। डेफिनेटली अगर ये नहीं रहा तो अभी असी नू कंटिन्यू करांगे अगे। लीडरां नू पुछोगे कल नू तुहाडे को वोट मंगण आंदे आ ते वी तुसीं 10 दिन उत्थे धुप्पे सड़दे रहे मरदे रहे ते तुसीं हुण साडे कोल की करना आए हो? वो तो सर सारी पॉपुलेशन पूछना चाहिए जी अफेक्ट हो रही है लोगों भी पूछना चाहिए दे आर अकाउंटेबल टू अस सानू उन्होंने डेफिनेटली उन्होंने सानू मतलब उन्होंने ये चीज़ काउंट करनी चाहिए जो सानू लोड़ होती है तो नोबडी इज़ देयर। ठीक है असी इतने गर्मी के एक तो साड़ी इन कोरोना के टाइम से तुम इन्ना साड़ा सानू फोर्स कर रहे हो कि असी जरा कट्ठे हुई है इतने कट हुई है जबकि कोरोना के दिस शुड नॉट बी डन। असी लोगों को गाइडलाइनस दें कि तुम ये सब नहीं करना बट वी आर फोर्स टू डू दिस तो डेफिनेटली द गवर्नमेंट इज़ काउंटेबल एंड शुड। देखो साढ़े नाल ने डॉक्टर अर्शदीप सिंह। डॉक्टर साहब सरकार तो गल नहीं सुन रही तो तुम डॉक्टर साहब हूँ की लगता कि तुहानू सरकार का रवैया देखो लोकतंत्र कितने रह गया फिर तुम नारे नूरे मार दो जिवें आज़ादी वास्ते लोग संघर्ष करते ही तुहानू भी संघर्ष करना पै रहा तुहाडी गल तो सुननी चाहिए इन्हों नहीं गलत गल है सरकार सुननी चाहिए है इलैक्शन नेड़े ने इन्हों की तनखा वधानी चाहिए सी घटाई जा रहे हैं ये बहुत गलत काम कर रहे हैं ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਨਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰੀਦਾ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਓਪੀਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਓਪੀਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਕੋਲੋ ਦਿਓ ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ 6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋਗੇ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। चलिए देखिए इनका कहना है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जब नेताओं को जरूरत होती है तो हमारे पास आते हैं हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं हम सेवा का करेंगे आपकी और सेवा आप देख सकते हैं इनको आज 7 दिन हो गए हैं नारेबाजी करते हुए ना तो कोई लीडर इनके पास इनकी सुध लेने आया है और ना ही कोई अधिकारी जिनका इन्हें मलाल है। इनका कहना है कि सरकार एक संयोजित तरीके के पूरे संयोजित तरीके से मुलाजमों की वेतन जो है वो कम किए हैं गरीब जनता बेहाल है लेकिन सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है। अपने तो महल खड़े कर लिए बड़ी बड़ी कोठियां बना ली लेकिन जनता को क्या मिला 70-75 साल में? क्या हमारा देश फिर गुलामी की ओर धकेला जा रहा है? लोकतंत्र कहां रह गया? क्योंकि जब इनकी आवाज़ सुनने वाला ही कोई नहीं है। हमारी दरखास्त है सरकार से कि इनकी बात सुनी जाए क्योंकि जहां पर ये जो लोग यहां पर आते हैं उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।